हेलो दोस्तों, ग्रेट स्मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं LRU स्ट्रेटजी, दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी में LRU जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने फीफो के बारे में डिस्कस किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सेम क्वेश्चन ही मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं LRU मेथड से। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ कैश ब्लॉक्स या नंबर ऑफ कैश लाइंस कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 16, और हर एक लाइन जो है मतलब चार लाइनों को मिला के एक सेट बनता है। तो नंबर ऑफ सेट आप कैसे निकालोगे, 16 डिवाइड बाय 4, तो यहां पे आपके टोटल नंबर ऑफ सेट जो है वो चार आ गए। तो S0, S1, S2, S3, तो हर एक सेट के अंदर आप मान के चलो कि चार लाइंस हैं, लेकिन आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनली मान के चल सकते हो कि चार लाइंस जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी हैं। तो उन चार लाइंस में आपको ब्लॉक डालने हैं और उन चार के अंदर आप कैसे भी ब्लॉक जो है वो कैसे भी डाल सकते हो, क्योंकि सेट एसोसिएटिव का मतलब होता है कि के मॉडर्न फॉर्मूला हम यूज करते हैं सेट चूज करने के लिए, लेकिन सेट के अंदर वो कैसे डालेगा, एसोसिएटिव कहीं पे भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले लेट्स से 0 mod n, वही सेम फंडा हमने यूज करना है जैसे कि हमने फीफो में यूज किया। तो 0 mod 4 किया, तो 0 mod 4 मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, तो हमने यहां पे डाल दिया, एस नॉट के अंदर हमने 0 डाल दिया। देन 255 आया तो वो हमने एस थ्री के अंदर डाल दिया। देन 1 आया, 1 हमने यहां पे एस वन के अंदर डाल दिया। देन 4 आया, 4 हमने यहां पे S नॉट के अंदर डाल दिया, क्योंकि 4 mod 4 0। 3 आया तो 3 हमने यहां पे सिंपली S3 में डाल दिया। देन 8 आया तो 8 हमने 8 mod 4 करोगे तो 0 आएगा, तो यहां पे डालते जाओ। बस लाइन वाइज आपको इस तरीके से करते जाना। 133 आएगा तो हमने यहां पे S1 के अंदर डाल दिया, क्योंकि 133 mod 4 क्या आएगा, 1। देन उसके बाद 159 करोगे तो ऑब्वियसली मेरे पास 3 रिमाइंडर आएगा, तो S3 में चला गया। 216 करोगे तो यहां पे मेरे पास K mod n फॉर्मूले से आप डालते जाओ, जहां पे K ब्लॉक नंबर है और n क्या है, नंबर ऑफ सेट, बस इस तरीके से आपको डालते जाना है। 129 करोगे तो यहां पे आपके पास आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा, 1, तो आपका S1 में आ गया। देन 63, तो 63 ऑब्वियसली आपका कहां पे आएगा, S3 में आएगा, तो S3 में हमने क्या डाल दिया, 63 यहां पे डाल दिया, 63 mod 4, तो 63 mod 4 आएगा आपका 3, हाँ ठीक है, तो 63 हमने यहां पे डाल दिया। देन 8 आया, तो देखो 8 जैसे ही आया तो यहां पे मेरे पास ऑलरेडी 8 पड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं हिट ऑपरेशन, क्योंकि 8 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास कैश में पड़ा है, तो हमने बिना किसी पेज को या बिना किसी ब्लॉक को मेन मेमोरी से मंगवाए ही हमने कैश को कैश के अंदर से उठा के हमने प्रोसेसर को दे दिया, तो इसको हमने यहाँ पे बोलते हैं इसको कैश हिट, क्योंकि हमने कोई भी मेन मेमोरी से ब्लॉक को नहीं बुलाया जैसे कि हम इनको बुला रहे हैं, क्योंकि 8 ऑलरेडी था। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि LRU स्ट्रेटजी में जब भी आप कर रहे हो ये मेथड हमेशा इस तरीके से सॉल्व करना, क्योंकि LRU का मतलब है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो जैसे ही आपका नेक्स्ट 8 आया ना ये वाला, तो आप इस 8 को काट के यहां पे दोबारा लिख दो। रीजन उसका क्या है अभी आपको पता लग जाएगा। यहां पे अब मैंने काट के 8 को दोबारा लिख दिया, इसका मतलब ये मत समझना कि रिप्लेस किया है, रिप्लेस नहीं किया, जस्ट उसको मैंने यहां पे लिख दिया। उसका रीजन ये है कि अब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड 8 नहीं है, अब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड क्या है, ये वाला 0 के बाद 4 है, 4 के बाद 216 है, क्योंकि 8 अब मोस्ट रिसेंटली है। अगर आप 8 को यहीं पे रहने दोगे तो आपको लगेगा कि 216 ही मोस्ट रिसेंटली है, नहीं, 8 जो है वो मोस्ट रिसेंटली है। अभी हमने जब रिप्लेस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे सिंपली 8 को कट करके हमने दोबारा लिख दिया, बट इसको ये मत कंसीडर करना कि हमने रिप्लेस कर दिया, जस्ट इसका जो नंबरिंग है वो यहां पे चेंज कर दी। 48, जैसे ही 48 आया, 48 देखो अभी आपको पता लग जाएगा 48 कहां पे जाएगा, 48 ऑब्वियसली हमारा एस नॉट में जाएगा, लेकिन एस नॉट में हमें किसको रिप्लेस करना है, लीस्ट रिसेंटली, देखो चारों में से लीस्ट रिसेंटली कौन है, सबसे दूर कौन है, 0, तो 0 को हटा के यहां पे 48 को ले आओ। तो देखो चार ब्लॉक है, 1, 2, 3, 4, तो चारों इसके अंदर हमारे पास फिट है। देन उसके बाद 48 के बाद आया 32, देखो 32 करोगे तो 32 mod 4 अगेन यहीं पे जाएगा एस नॉट में, तो एस नॉट में कहां जाएगा, इन चारों में से देखो 4
216, 8, 48 में से least recently, सबसे पुराना कौन है? 4. तो यानी 4 को काट के आपने 32 यहां पे डाल दिया. Then 73 जब आएगा तो वो आपका यहां पे 73 मोड करोगे तो ये आपका 1 आएगा. तो 73 जो है आपका सिंपली S1 में आ गया. S1 में आ जाएगा 73. Then 92. अब 92 आया, ये देखो इसमें ऑलरेडी 4 स्पेस है तो चारों भर गए, इसमें 4 है तो चारों भर गए, अभी रिप्लेस नहीं करना. नेक्स्ट आया 92. 92 मोड 4 करोगे तो क्या आएगा आपका? ये आएगा आंसर आपका S0, मतलब 0 आएगा. तो अब देखो, अब आपको 216, 8, 48, 32 इन चारों में से किसको रिप्लेस करना है, क्योंकि चारों भर गए और हमें रिप्लेस करना पड़ेगा अगर हमने 92 को यहां पे लाना है. तो 92 को यहां पे कब लाएंगे? हमें 216 को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो देखो, अगर आपने ये 8 कट करके यहां पे ना लिखा होता तो आपको ये लगता कि 8 सबसे पुराना है, लेकिन 8 सबसे पुराना नहीं है, 8 उसके बाद एक बार आ चुका है. तो इसीलिए अब लीस्ट रिसेंटली में 216 है. बस ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे. तो 216 को काट के यहां पे 92 कर दो, ये आपका यहां पे आंसर आ गया. देन 155 आपका जाएगा, 155 S3 में जाएगा. तो यहां पे तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं है 255 को काट के, क्योंकि इन चारों में से सबसे पुराना कौन है? 255. तो 155 को यहां पे डाल दो. बस इस तरीके से आपको एक एक करके करते जाना है. लेट्स से एक और एलिमेंट ले लेते हैं, 16. जैसे ही 16 ब्लॉक की कॉल आई तो 16 मोड 4 करोगे तो अगेन मेरे पास S0 आएगा. तो अब क्या करना है? देखो, इन चारों में से सबसे पुराना कौन है? 8 ही है. तो आप सिंपली यहां पे 16 को डाल दो. बस इस तरीके से एक एक करके डालते जाना है. S2 में भी कोई नहीं आया क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस ही इस तरीके से था. अगर S2 पे आता, कोई भी रिमाइंडर 2 आता तो हम यहां पे डाल देते. बस ये जो है बेसिक फंडा है LRU का, ये वाला पॉइंट यहां पे याद रखना. इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा एक्सप्लिसिट कोई पॉइंट नहीं है जहां पे आपको कोई कंफ्यूजन हो. तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ हिट कितने हैं, मिस कितने हैं, या आपके पास जो है एंड पे कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं जो कैश के अंदर थे, या कौन से एलिमेंट है जो कैश के अंदर नहीं थे. इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको मेन FIFO और LRU ये दोनों ही बड़े ध्यान से करने हैं. थैंक यू.